माय चैनल सनी वर्ल्ड. और आज देखिए, आज मैं सोच रही थी व्लॉग बनाने के लिए, मुझे आपके साथ एक व्लॉग शेयर करना था. तो काम मेरा हो गया था आज. आज है फ्राइडे, तो कल दो दिन का ऑफ है बच्चों का. तो मैं सोच रही थी आज आराम से मैं एक व्लॉग शूट करती हूँ. आपने मेरे मिनी व्लॉग में देखा भी होगा. तो मैंने ना कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया है, ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किया है, वार्डरोब के ऑर्गेनाइज़र. आई यू एक मिनट. मैंने अमेजोन से ना वार्डरोब के ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर करे. तो इस अलमीरा को मुझे सेट करना है. ये वार्डरोब आयुष का है. तो इसमें मुझे आयुष के ना, एक्चुअली जब हम लोग गए थे कतर, तब से ना लगेज जब हमने निकाला तो ऐसे ही रख दिया था. ठंड बहुत है क्योंकि इंडिया में, दिल्ली में ठंड बहुत है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही रख दिया था. और मैंने सोचा ये सेट करती हूँ. ऑर्गेनाइज़र भी मंगा लिया मैंने, कुछ अमेज़ॉन से ऑर्गेनाइज़र मंगाया और कुछ ना मैंने डाइसो से लिए थे, वो आज मैं आपको दिखाऊंगी. और ये इस अलमीरा के साथ में ये मिरर भी लग रखा है. तो ये मिरर भी बहुत गंदा हो रहा है, मिरर क्लीन करूँगी आज मैं. और ये देखिए सारी वॉल्स में ना, ये हर घर की प्रॉब्लम है. जहाँ बच्चे होते हैं ना, उनके हर घर की वॉल ये ऐसी होती ही होती है. हमारे घर की ना, ये इस रूम की सारी वॉल कितनी गंदी कर रखी है इसने. एक जगह तो देखो, मैंने इधर तो वॉलपेपर लगा दिया थोड़ा सा छुपाने के लिए, बट फिर भी इसने वॉलपेपर के ऊपर भी लगा दिया. तो मैं आज वार्डरोब सेट करती हूँ. जिस वार्डरोब को मैंने सेट करना है ना, मैं आपको उसकी पहले कंडीशन दिखाती हूँ, बिफोर आफ्टर. ये देखिए ये भी पता है क्या करता है, इसको भी कुछ निकालना होता है, ये एकदम से ऐसे निकाल देता था. तो मुझे लगा इसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करती हूँ, ऑर्गेनाइज़ करूँगी तो इसको भी इजी रहेगा कभी निकालने में, अगर कुछ सही होता है तो. तो सबसे पहले मैं ना इस मिरर को क्लीन करती हूँ. इसमें ना हल्के हल्के से स्पॉट आ गए हैं इसके ना, इसने हैंड को ऐसा करा होगा उसमें, तो वो आ गए. इसको मैं करती हूँ इससे. तो ठंड बहुत ज़्यादा है, कुछ काम करने का मन नहीं करता. मैंने मगर हीटर चला रखा है रूम में, मैंने इसमें स्प्रे कर दिया. इसको न्यूज़पेपर से करती हूँ या किसी पेपर से करूँगी. है मेरे पास पेपर ना, पेपर से करती हूँ. मेरे को ना, मैं न्यूज़पेपर या ना किसी टिश्यू पेपर होता है उससे ही क्लीन करती हूँ. बड़ी जल्दी क्लीन हो जाता है अच्छे से ना. कपड़े में जो होते हैं ना रेशे टाइप के, वो फिर वो हटते नहीं है, उसमें चिपक जाते हैं. एक दो बार इससे कर दूंगी मैं. देखो चमका दिया मैंने मिरर. सो मिरर मेरा क्लीन हो गया. अब जल्दी से ना अलमीरा से हम लोग सारे कपड़े निकालते हैं. hey, वापिस आओ. तुम तो बैठो. मिक्स भी होकर बेड पे रख दूंगी, फिर बेड पे बैठ के आराम से कर दूंगी इसको मैं सेट. जल्दी से निकालते हैं. ये मेरे चप्पल है मम्मा. आप ही चले जाओ, मैंने तो मना करा आपको. सारे ना मिक्स हो जाएंगे. और आज इनमें से जो साइज आयुष को नहीं आएगा ना, उन कपड़ों को मैं अलग कर दूंगी. तो किसी को दे देंगे हम लोग ना. देखती हूँ मैं, अगर साइज छोटा है तो फिर मैं उन कपड़ों को निकाल दूंगी. तो ये वाला तो देखो मैंने आपको अपने शॉर्ट ब्लॉग में दिखाया था. ये ऑर्गेनाइजर है, ये मैंने आपको दिखाया था. और इसमें ये ऐसे जिप लगा हुआ, इसको जिप से ना मैं ऐसे खोल दूंगी. देखिए, अगर आपको इन केस यूज नहीं करना तो आप इसकी जिप लगा के बंद कर दो, इसको फोल्डेबल है नहीं. और ये तो इसमें है, इसमें आप हैंकीज रख लो, अंडरगारमेंट्स रख लो, इस टाइप से कुछ रख सकते हो. और ये वाला देखो, मैं आपको ना एक बार ऑर्गेनाइज करके दिखाऊंगी. इसमें भी सेम ऐसी ये जिप है, टू. और ये स्मॉल साइज में 3, एंड देन लास्ट वन इज सेम एस की तरह जो ये साइज है ना, बट इसके पार्टीशंस अलग है. इसमें पार्टीशंस ये हैं. ये तो मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया था. और एक ये बॉक्स है व्हील वाला, इसका प्लस पॉइंट है इसमें ना व्हील लग रखी है. तो ये मैंने दो ऑर्डर किए थे. एक में तो मैंने अपनी ना बेटी की स्टेशनरी रख के उसको स्टडी टेबल के अंदर रख दिया है, तो बहुत कन्वीनियंट लगता है उसको भी ना, इजीली निकाल ले. तो ये वाला मैंने अभी यूज़ नहीं किया था. इसने क्या कर, मेरे को टॉयज रखने थे, मैं लेकर आई थी, इसने सारे टॉयज डाल दिए. तो आप इसको टॉयज के लिए यूज़ कर सकते हो. और ये आगे पीछे हो जाता है, मैं आपको दिखाऊंगी. इजीली ना आप निकाल सकते हो अगर आप इसको किसी शेल्फ में रखेंगे. देखो एक ये था.
और ये जो है ना ये बॉक्सेस देखिए विद कैप के साथ है, ये मैंने कतर में डाइसो है, वैसे डाइसो नोएडा के डीएलएफ मॉल में भी है हमारे नियर बाय, बट ये मैंने कतर से लिया था डाइसो से ऐसे दो बॉक्स। इसमें भी मैं आपको दिखाऊंगी ऑर्गेनाइज करके, इजीली आप ना उसको अलमीरा में रख सकते हैं। और एक ये मैंने मंगाया है, ये तो मैंने अमेजोन से मंगाया, अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो मैं इनका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। तो ये आपके साथ ना ऐसे आएगा, इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा इसको। और ये जो है ना ये तो मेरे को तीन का सेट मिला है, इसमें दो कलर है, ये तीन का सेट मिलेगा आपको और सिर्फ आई थिंक 99 rupees का था, प्लास्टिक में है ये। और इसको ना आप ऐसे अलमीरा में ऐसे हैंग कर लो, तो आप इसमें अपना कीज रख सकते हो और टाई रख सकते हो, बेल्ट रख सकते हो, कैप रख सकते हो। इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया, अभी मैं लगा के दिखाऊंगी आपको तो आपको अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने सारे ना कपड़े फोल्ड करके फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे सारे ऐसे इस टाइप से करूँगी क्योंकि इसमें ना कम है, ऐसे एक बार ट्राई करके देखती हूँ कितना साइज आ रहा है। आ तो जाएगा ना ऐसे, इसमें टू टू आ जाएगी आराम से। हाँ ये वाली इसमें कर देती हूँ क्योंकि अभी समर है ना, तो टी शर्ट्स इसमें रख देती हूँ समर में, अभी विंटर का सामान वैसे हैंग कर दूंगी। बाकी मैं इसको अभी ऐसे ही लगा दूंगी सारी, और फोल्ड कर देती हूँ जल्दी से वो लगाती हूँ। इसमें एक बार ना जीन्स लगा के भी देखती हूँ आती नहीं आती है, है ना। आ तो गई ऐसे, है ना। और एक बार एक दो और एडजस्ट करके देखती हूँ, आ जाएगा तो सही है। मैं सोच रही हूँ इसको ना यहाँ पे ना रखें ना ऐसे रखें, क्योंकि ये ना अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। इसको मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे रख दूँगी, एक बार रख के देखती हूँ, अगर अच्छा लगा तो ठीक है ऐसे ही रख देती हूँ। या इसका एक दो फोल्ड ऐसे कर दूँगी, थ्री फोल्ड करके तब रखती हूँ उसमें, तब स्पेस ज़्यादा हो जाएगा ना उसमें ऐसे रखने से। ऐसे करके सारा सेट कर दूंगी ठीक है। शॉप से ये भी समर के लिए ये ऐसे रख दूंगी। मैंने इसमें ना ये लोअर्स रखे हैं फोल्ड करके, थोड़े से मतलब कम ठंड हो जाएगी तब उसके लिए यूज़ हो जाएगा। इसमें मेरी फिलहाल मैं टी शर्ट्स रख रही हूँ, सैंडोज वगैरह थोड़ी देर में रखूँगी उसमें। पहले टी शर्ट्स रख के ना एक साइड कर दूँगी, इसको सेट कर दूँगी। आयुष के भी सैंडोज ना वैसे मैंने वॉश कर रखी है, बट ये सैंडो है इसको मैं ऐसे इसमें रख दूँगी। इसके कपड़े वैसे मैं ही निकालती हूँ तो ईजी रहेगा ना मेरे लिए भी जल्दी में मॉर्निंग में। ये इसकी टी शर्ट्स है, टी शर्ट को देखो मैंने ऐसे रखा, मैं दिखाऊँ आपको एक बार। ये सारी देखो मैंने टी शर्ट्स रख दी। शर्ट्स को तो मैं हैंग कर दूँगी, जो वूलन शर्ट्स होंगी ना उनको मैं हैंग कर दूँगी। ये शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स के लिए सोच रही हूँ उसको अलग से रखूँ एक बॉक्स में ना, शॉर्ट्स को अलग रखती हूँ, नाइट सूट्स को अलग रखूँगी, शॉर्ट्स को अलग रखूँगी। ये भी टी शर्ट्स ही है। हाँ नाइट सूट तो अभी मैं फोल्ड कर रही हूँ, ये वाला सारे लोअर्स हैं। ये भी टी शर्ट्स है, टी शर्ट्स कुछ ऐसी हैं जिनके अभी तक टैग भी नहीं निकले हैं, एक बार भी यूज़ नहीं हुई है, तो उनको भी इसी में रख देती हूँ, आपका समर में ही यूज़ होगी वो, इसके अंदर ही रख देती हूँ। देखो ठीक लग रहा है। अच्छा इसमें अभी एक रो और है। ओ ये कितनी रो है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। टी शर्ट्स के लिए तो सही है, बच्चों की टी शर्ट्स के लिए सही है ये, मुझे ये सही लगा ऑर्गेनाइजर। इसमें देखो मैंने इसमें सैंडोस, इसका स्विमिंग का कॉस्ट्यूम रखा है, सारी टी शर्ट्स आ गई वो 7 rows में। अब ये सॉक्स है, मैं सोच रही हूँ सॉक्स भी ना इसी रो में रख देती हूँ इसकी, क्योंकि ज़्यादा सैंडल्स वगैरह तो नहीं है अभी, तो सॉक्स को फोल्ड करके ना इसमें रख देती हूँ। और ये इसकी देखो कितनी छोटी सी सॉक्स है, इसको मैं ऐसे ही रख देती हूँ। वो तो मेरे को लग रहा है इसमें 2-3 pair आराम से आ जाएंगे, इतनी छोटी छोटी सी है ये। हाँ आराम से आ जाएगी, देखो कितना प्यारा लग रहा है। मैंने 1 pair रखा है, उसके बाद भी इतना स्पेस है। आयुष मुझे नहीं लगता ये सारा आप यूज़ कर पाओगे। हाँ। और इसके ग्लव्स भी ना मैं सोच रही हूँ उसी में रख देती हूँ। 2 pair तो ये ऑलरेडी स्कूल में ना छोड़कर आ गया, इसकी मैम को मैंने बोला था, उनको भी शायद याद नहीं रहता, वरना 2 तो उसमें ही आ जाते। और इसमें देखो मैं हैंकी लगा रही हूँ, क्योंकि इनके स्कूल में क्या है ना आपको हैंकी लेके भी जाना होता है, कंपलसरी है। आप ये क्या कर रहे हो,
क्या कर रहे हो ये? इसने देखो अपने सारे शू निकाल दिए। क्या करना है आयुष आपको? आयु हाँ क्या कर रहे हो आप? ये सारे शू निकाल के मैं इसकी अलमीरा सेट करी ना तो उसने निकाल लिया। आयुष आयु आयु ये बहुत ज्यादा शर्माता है। आयुष हाय तो कर दो सबको। आयुष की ना कुछ शर्ट्स वगैरह या जैकेट वगैरह वो मैं हैंग करके रख रही हूँ। वो ये थोड़ी वूलन ही है तो अभी तो ये यूज हो ही जाएगी। और ये साइज का हैंगर है, इस साइज में लगाऊंगी तो इजीली लग भी जाएगी, मतलब गिरेगी नहीं। बड़े वाले हैंगर से तो वो गिर जाएगा। और ऊपर का एक बटन लगा देती हूँ ताकि टाई रहे। ये इस टाइप की रख दूंगी ना मैं सारी शर्ट्स और जैकेट। देखो दो जैकेट रख रखी है, फिर शर्ट्स है, ये ऐसे रख दूंगी जल्दी जल्दी से मैं शर्ट्स वगैरह। ये भी ये कॉटराइज के, ये भी अभी स्कूल के उसमें काम आ जाएगी। एक्चुअली इसके स्कूल की ना अभी कोई यूनिफॉर्म नहीं है तो इसलिए मैं इसको घर के कपड़े ऐसे ही पहना के भेजती हूँ। कुछ शर्ट्स लटका देती हूँ मैं जल्दी जल्दी करती हूँ थोड़ा। अब मेरा मन कर रहा है चाय पीने का, एक कप चाय मिल जाए ना, चाय पीने का मन कर रहा है। अच्छा मैं अभी करूँगी। और फ्रेंड्स देखो ये मैंने ऑर्डर किया है एक, ये भी है तो क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी मैं इसको, तो मैंने ये ऑर्डर किया था इसकी कैप्स वगैरह हैंग करने के लिए ना। इसको इस तरह से ये दिखाती हूँ आपको, भी दिखाती हूँ इसमें लगा दो। उसके बाद आप इसकी कैप्स वगैरह यूज़ करने के लिए ये ठीक है। कहीं और लगाती हूँ इसमें ना, अगर इसको लगा दूँ लगा तो दिया है। मुझे लग रहा है इसको इधर लगाना पड़ेगा सेंटर में। हाँ अब ठीक है। देखा ना ये शेप में क्या दिखा बेटी, बाद में बनना। आप लगा दिया मैंने, हाँ कर दिया। दिख रही है फ्रेंड्स आपको, मैंने ऐसे कैप लगा दिया इसमें। बट ये वाली जो कैप्स होंगी ना ये नहीं लग पाएगी, ये वाली कैप नहीं लग पाएगी। वो तो लग गई है, बाकी मैंने सारा कर दिया है। अब इसको एक बार मैं अच्छे से इसमें एडजस्ट करती हूँ, देखती हूँ कितना आता है इसमें। और ये देखो मेरे पास एक डीप बास्केट थी तो इसमें मैंने ना इसका लोशन, कॉम, क्रीम, पाउडर ये सब रख लिया। एक इसका वैक्स रखा है मैंने। सो अभी देखती हूँ इसको कहाँ पे रखती हूँ मैं। अब सारा सामान एक बार ना एडजस्ट करके देखती हूँ, आता ही नहीं आता। ये डाइसो वाले बॉक्स थे ना, इसमें देखो मैंने ये इसका डायनेम्स वगैरह रख दिया तो ये तो फुल हो गया। इसको रख के देखती हूँ मैं कैसे रखूँ, लाइन्स के उसमें रखूँ कैसे रखूँ, ऐसे रखूँ ऐसे रखती हूँ है ना। और जो ये है एक और इससे मैंने इसके सारे लोअर्स रखे हैं स्कूल्स वाले, इनको भी मैं ऐसे रखती हूँ, ये ऊपर यूज हो जाएंगे बट। और इसको यहाँ रख देती हूँ, आ गई इतना तो आई गया है चलो। और अभी हाँ ये है, ये थोड़ा ना हाइट इसकी कम है, इसमें सॉक्स और इसके अंडरगारमेंट्स ग्लव्स वगैरह रखे हैं। अभी मैंने ना बहुत सारे वॉश करने के लिए भी रख रखा है तो इसलिए अदर सारे वॉश हो गए होते ना तो ये फुल हो गया होता अभी तक तो इसको भी मैं सोच रही हूँ यहाँ पे ऐसे रख देती हूँ। बट अलमीरा बंद होनी चाहिए, पूरी बंद हो जाएगी आराम से। इसको यहाँ रख दूंगी। और इसके साथ एक ये वाला आया था, इसमें तो मैंने हैंकीज रखे हैं जो स्कूल्स का है ना, इसका जो उसके स्कूल का है वो मैं ऊपर रख देती हूँ, जैसे ये हैंकीज वगैरह हो गए तो उसको यहाँ रख देती हूँ। सही लग रहा है वैसे तो इतना। और बाकी आप नीचे का सेट करती हूँ और इस साइड का देती हूँ। और अब क्या रह गया, मैंने नाइट सूट वाला बनाया, एक टी शर्ट वाला दिखाया था मैंने आपको, टी शर्ट वाला मैं नीचे एडजस्ट कर देती हूँ, वही करती हूँ टी शर्ट वाला एडजस्ट कर। ये देखो टी शर्ट वाला ही मेरा, मैंने बहुत फोल्ड करके सारी टी शर्ट्स रख दिए तो टी शर्ट का तो अभी यूज़ है नहीं, ये तो समर पे होगा तो मैं सोच रही हूँ इसको नीचे रख देती हूँ, इसको यहाँ साइड में लगा देती हूँ। इस टाइप से रख दिया, ये ऑर्गेनाइज भी रहेंगे थोड़े बहुत। और ये मेरे पास एक आईकिया का था, ये भी सेम है लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी है, बेटर देन अमेजोन। ये मैंने लास्ट ईयर लिया था बट मैंने रख रखा था तो इसमें मैंने नाइट सूट्स रख दिए हैं। इसके लिए मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है इसको कैसे रखूँ मैं, क्योंकि ये स्पेस है नहीं इतना ना, कहीं और रखे क्या,
इसको भी हटा दूंगी तब भी नहीं आ पाएगा वो, इसके ऊपर रखूंगी नहीं आ जाते तुम्हारा इसके ऊपर रखते क्या, ऐसे भी अच्छा लग रहा है वैसे तो यूज करने के लिए ना, ऐसे भी सही है ये। और ये भी मेरे पास ना आइकिया का है तो उसमें मैंने शॉर्ट्स रख दी, शॉर्ट्स ज़्यादा मतलब इसकी लेंथ नहीं है ना इनकी साइज़ की तो मैंने इसमें रख दी, समर में यूज़ हो जाएगी तो अभी इसमें रख देती हूँ। नीचे का ना ये वाला अभी शेल्फ फ्री है और इसमें तो उसको पहले ना क्लीन कर देती हूँ, इसमें ना वाइट है स्पॉट आ जाते हैं बड़ी जल्दी। अच्छा देखो क्या बना के रखा था ना अपने स्कूल का स्लीपर वगैरह सब रख रखी है आपकी, कितना ज्यादा गंदा हो रखा है ये। साफ कर दिया मैंने, ये भी साफ हो गया, अब इसमें मैं फिर रखूंगी सामान ना सूख जाएगा तब। और फ्रेंड्स ये भी देखो, ये भी मैंने आइकिया से लिया था तो इसमें मैं सोच रही हूँ इसमें मैं सारे सॉरी शू वगैरह रख देती हूँ, टॉयज के लिए तो मैंने बड़ा वाला लिया, इसमें मैं शू रख देती हूँ। शू के ना पेयर भी बहुत है, हमारे साथ होता क्या है ना हम लोग जब अपनी शॉपिंग करने जाते हैं तो बच्चों का सबसे पहले लेते हैं तो कुछ भी पसंद आ जाता है ना बहुत अट्रैक्टिव से होते हैं उनके शूज़ वगैरह ड्रेसेस, तो शूज़ इसके बहुत सारे और चप्पल भी। हाँ थ्री, मैं आपके सामने देखो काउंट करके दिखाती हूँ, थ्री एंड देन फोर और भीड़ वाले फाइव देन सिक्स एंड सेवन, सेवन के लिए देखो जगह नहीं है और उसके बाद ये सारी फुटवेयर्स और अभी वन पेरूम के पास रखा हुआ है तो मीन्स एट इसके पास फुटवेयर है अभी रिसेंटली, तो ये मैंने इसमें रख दिया है और इसके अंदर रख देती हूँ उसको ना मैं, ये ऐसे ही आएगा लैंडस्केप में नहीं आएगा ये, तो जैसे शूज़ होंगे तो ऐसे निकाल लूँ। और अब इससे जो बाकी के कपड़े रह गए उनको मैं सोच रही हूँ फोल्ड करके रख देती हूँ, बाकी तो मैंने ये रख दिया। और आयुष के जितने भी कुर्ते पजामे थे ना मैंने उन सबको ऐसे फोल्ड कर दिया और मैं सोच रही हूँ इसके लिए ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बहुत रेयर ही यूज़ होते हैं तो उसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ सारे रख दिए मैंने कुर्ता पजामा, अभी इसमें ना थोड़ा सा स्पेस है, मैं सोच रही हूँ विंटर के जो लोअर्स वगैरह हैं वो मैं इसमें रख देती हूँ। एक्चुअली ये जो अलमीरा है ना ये अंदर की साइड ना डीप बहुत ज़्यादा है तो ऐसे स्पेस मिल जाता है इसमें, तो इतना तो मैंने सेट कर दिया, ये इतने ही है बस, बाकी जो लोअर्स है वो मैं इधर रख दूंगी। और एक इसका जो मैंने आपको टॉय का स्टार्टिंग में दिखाया था वो मैं इसको क्लीन करके यहाँ पर लगाऊंगी। ये सारा सामान तो मैंने आइकिया से लिया था, ये सारा आइकिया की कैंडल्स है प्लांट्स वगैरह है तो इसको थोड़ा सा क्लीन करके इसमें रख देती हूँ। और इस वाले बॉक्स में देखो इसकी सारी कार्स है, कार्स का दीवाना है ये तो इजी आ गया देखो। अच्छा मैंने आपको इसके लिए बोला था ना इसमें व्हील है, मैं आपको एक बार ना इसको रोटेट करके दिखाती हूँ, भैया आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये देखो वन टू इसमें है व्हील, ये नहीं ये देखो व्हील दिखा दो बेटा, ये सारे व्हील्स है, फोर व्हील्स है इसमें, इसमें ही रख देती हूँ मैं, अभी भी इतना स्पेस इसमें बच गया। तो ये हो गई है आयुष की अलमीरा रेडी, तो इस अलमीरा को मैंने सेट कर दिया है ये छोटे मोटे से ऑर्गेनाइज़र के साथ, ये अमेज़ोन से लिया है वो टाइसो से लिया है, ये भी मैंने अमेज़ोन से बास्केट लिया था, कुछ इसमें आइकिया का है जैसे ये वाइट वाले, तो ये वाइट वाले ना आपको काफ़ी सारे साइजेस के मिलेंगे, मैं बस ना स्मॉल साइज का पूरा सेट मिलता है अमेज़ॉन में भी ना, आपको ये आइकिया का अगर आप करेंगे तो आइकिया का मिल जाएगा और अगर नियर बाय आपकी आइकिया है तो आपको वहाँ से भी मिल सकता है। तो ये हो गई है इसकी पूरी अलमीरा सेट, करते हैं ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड खूब सारे कमेंट करके मुझे जरूर बताना आपको ये वार्डरोब का ऑर्गेनाइजर कैसा लगा और मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा। तो जल्दी मिलेंगे आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।